अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है गिनजात सिफ और आप देख रहे हैं GFX स्किल्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने लाइन आर्ट कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग शेडिंग और पेंटिंग की तरफ करेंगे। पेंटिंग हम लोग तीन तरह से कर सकते हैं और मैं तीनों के अलग अलग लेक्चर्स बनाऊंगी। आज हम लोग फर्स्ट वे से पेंटिंग करेंगे। फर्स्ट वे जो आज मैं डिस्कस करूँगी वो होगा कि हम लोग किस तरह से शेप्स को यूज़ करके पेंटिंग कर सकते हैं। मतलब हम लोग डायरेक्ट पेंटिंग नहीं करेंगे, इसमें हम लोग शेप्स यूज़ करके उसके अंदर पेंटिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन आर्ट हम लोगों का रेडी है। लाइन आर्ट पे हम लोग जो है वो सबसे पहले शेप्स बना लेंगे। इन पे साथ साथ कलर्स करते जाएंगे ताकि डिफरेंशिएट होता रहे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी शेप बन गई है। अब इन बटरफ्लाई के विंग्स में जो छोटी छोटी शेप्स हैं वो सारी बना लें। और इसमें हमने सिंपल प्लेन कलर्स कर दिए। अब सिंपल कलर करने के बाद इसकी एक लुक निकल आई है। अब हम लोग इसमें स्लाइट सी शेडिंग देंगे। वो कैसे देंगे? जिस शेप में हमने पेंट करना है उसी शेप के ऊपर एक न्यू लेयर लेके उसको शेप में क्लिप करेंगे और ब्रश सेलेक्ट करके उसको मल्टीप्लाई मोड पे, अगर हमने डार्क टोन निकालनी है तो मल्टीप्लाई मोड पे, और अगर हमने लाइट टोन देनी होगी तो हम उसको स्क्रीन मोड पे करके काम करेंगे। इसमें मैंने जस्ट मल्टीप्लाई मोड पे काम किया, स्क्रीन मोड यूज़ नहीं किया। स्क्रीन मोड बेसिकली आपकी हाइलाइट्स जो हैं वो देते हैं। स्क्रीन मोड इसमें मैंने बहुत लाइट सा यूज़ किया है, थोड़ा सा किया है। अच्छा, ये सब में जो है वो सब शेप्स में जो पेंटिंग है ये हो गई है। जो लेग्स से बाहर बाहर आ रहे हैं उसको इरेजर से इरेज कर देंगे।
अच्छा, अब फ्लावर में फर्ज किस तरह से निकालेंगे? ये डिफ़ॉल्ट ब्रश एक होता है, डिफ़ॉल्ट ब्रशेज में अगर हम लोग नीचे जाकर देखें तो ये एक ब्रश होता है, इसकी हम लोग सेटिंग खोल के देखें तो इसके अंदर इस तरह से ऑलरेडी फर्ज बने होते हैं। इसके ब्रिस्टल्स हम लोग थोड़े से कम कर लें, ज़्यादा कर लें। अगर हमें ज़्यादा फर्ज चाहिए तो उसके ब्रिस्टल्स को हम लोग ज़्यादा कर लेते हैं, अगर कम चाहिए तो हम उसको कम कर लेते हैं। बैकग्राउंड में जो कलर हम लोगों ने यूज़ करना है उसको सिंपल लेंगे और उस पर जस्ट बैक पे स्ट्रोक्स, रैंडम स्ट्रोक्स दे देंगे। सिंपल बैकग्राउंड अगर बनाना होगा तो ये तो हो गई पेंटिंग के हम लोग किस तरह से शेप्स के अंदर करते हैं पेंटिंग। बहुत बेसिक मैंने बताया है, कोई मुश्किल बिल्कुल भी, मतलब मैंने कोई मुश्किल इसमें चीज़ नहीं बताई, बिल्कुल बेसिक बहुत आसान बताया। नेक्स्ट टाइम मैं आपको शेप के बगैर पेंटिंग करना बताऊंगी कि हम लोग विदाउट शेप्स किस तरह से पेंटिंग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।